अब बात करते हैं भोपाल की, जहां के चौक बाजार स्थित जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने के दावे और सर्वे की मांग अब फिर से जोर पकड़ने लगी है। इसे लेकर संस्कृति बचाओ मंच ने सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन को दस्तावेज भेजने की भी तैयारी कर ली है। सीनियर एडवोकेट जैन पहले ही इस मामले में पैरवी करने की सहमति दे चुके हैं। आपको बता दें कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के चलते संस्कृति मंच ने मामले को थोड़ा ढील दी थी। जैन ज्ञान पापी मामले में हिंदुओं के पक्षकार हैं। उन्होंने जामा मस्जिद से जुड़े सभी दस्तावेज बुलवाए थे। वहीं सीनियर एडवोकेट जैन ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व किया था। वो हिंदू जैन देवी देवताओं से जुड़े कम से कम 12 मुकदमों में वकील हैं। ज्ञान पापी मामले में भी वाराणसी के सिविल कोर्ट में हिंदू महिलाओं की तरफ से उन्होंने ही अर्जी लगाई थी, जिसके चलते भोपाल जामा मस्जिद मामले में सर्वे की मांग उठाने वाले संस्कृति बचाओ मंच ने एडवोकेट जैन से संपर्क किया था। वहीं जून में व्हाट्सएप के जरिए डॉक्यूमेंट भी भेजे गए थे और अब हार्ड कॉपी भी पोस्ट से भेजी जा रही है। मामले में एडवोकेट जैन के बेटे विष्णु शंकर जैन भी वकील हैं। दोनों पिता पुत्र ज्ञानवापी मामले में कोर्ट में अपनी दलील पेश कर रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि जामा मस्जिद मामले में दायर की जाने वाली पिटीशन की लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वर्ष 1908 का नवाब कालीन गजेटियर भी एकत्रित कर लिया गया है। सीनियर एडवोकेट जैन अभी व्हाट्सएप के जरिए दस्तावेज भेजे हैं, वो मामले में पैरवी करेंगे। वही पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय संस्कृति मंत्री, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री से सर्वेक्षण कराकर इस स्थान को संरक्षित करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी केस के बाद अब संस्कृति बचाओ मंच ने भोपाल की जामा मस्जिद को शिव मंदिर होने का दावा किया है, जिसके चलते ये मामला कई बार सुर्खियों में आ गया था। मंच सर्वे करने की मांग करते हुए कोर्ट में पिटीशन लगाने की तैयारी कर रहा है। मंच के अध्यक्ष तिवारी के अनुसार भोपाल की पहली महिला शासक कुदसिया बेगम ने 1832 से 1857 के बीच में ये मस्जिद बनवाई थी, जिसका जिक्र उर्दू में लिखी उनकी 688 पेज की किताब हयाते कुदसी में किया गया है। ये बुक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही ट्रांसलेट की गई है। इसमें भी मस्जिद में शिव मंदिर होना बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।